नमस्कार दोस्तों, और मेरी YouTube फैमिली को मेरा सादर प्रणाम। तो देर किस बात की चलते हैं वीडियो की, और आज हम बात करेंगे गोविंदा की फिल्मों के बारे में, जिसका अभी तक कोई हंसी का तोड़ नहीं। हाँ दोस्तों, 80 और 90 के दशक में गोविंदा का नाम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं की लिस्ट में शुमार था। वह एक ऐसे सुपरस्टार थे जिनकी फिल्मों का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता था। आज हम आपको गोविंदा की कॉमेडी फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। साल 1995 से 1999 तक बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। गोविंदा ने 90 के दशक में कई बेहतरीन कॉमेडी फिल्में की हैं। वाकई उनकी कॉमेडी का ज़माना था। कूली नंबर 1, 1995। इस फिल्म में गोविंदा ने एक झूठा कुल्ली का रोल निभाया और करिश्मा कपूर उनके साथ नजर आईं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही सफल रही। इस फिल्म में गोविंदा के साथ अनिल कपूर और जॉनी लीवर भी नजर आए। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाई। दुल्हे राजा 1998। इसमें गोविंदा के साथ कादिर खान और रानी मुखर्जी भी थे। यह एक और हिट कॉमेडी फिल्म थी। 1999 गोविंदा। इस फिल्म में करिश्मा कपूर के साथ नजर आए। यह भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। राजा बाबू 1994। यह फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसकी प्रभाविता 1995 से 1999 तक भी बनी रही। गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी ने लोगों का दिल जीता। साजन चले ससुराल एक मज़ेदार रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें गोविंदा, तब्बू और करिश्मा कपूर ने अद्भुत अभिनय किया। डेविड धवन के निर्देशन में फिल्म ने लोगों को मनोरंजन और हंसी के साथ रोमांस भी प्रदान किया। यह फिल्म तेलुगु फिल्म अल्लारी मोगुडू की रीमेक थी और बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचाई। दीवाना मस्ताना एक और धमाकेदार रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें गोविंदा, अनिल कपूर और जूही चावला ने शानदार अभिनय किया। डेविड धवन की निर्देशन में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। इसमें जॉनी लीवर, अनुपम खेर, रीमा लागू और अन्य अभिनेत्रियों ने भी बेहतरीन अभिनय किया। बड़े मियां छोटे मियां एक और धमाकेदार एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें अमिताभ बच्चन और गोविंदा ने अद्भुत अभिनय किया। डेविड धवन की निर्देशन में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही सफल रही और लोगों को मनोरंजन प्रदान किया। इसमें रवीना टंडन, राम्या कृष्णन और अनुपम खेर जैसे अन्य कलाकारों ने भी अच्छा काम किया। दूल्हे राजा भी एक बेहतरीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें गोविंदा, रवीना टंडन और कादिर खान ने महत्वपूर्ण भूमिकाओं में अभिनय किया। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही और लोगों को मनोरंजन प्रदान किया। हसीना मान जाएगी एक और धमाकेदार कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें गोविंदा, संजय दत्त और करिश्मा कपूर ने अद्भुत अभिनय किया। डेविड धवन की निर्देशन में यह फिल्म लोगों को हंसी और मनोरंजन के साथ साथ रोमांस भी प्रदान किया। इसमें अनुपम खेर, कादिर खान और परेश रावल जैसे अन्य कलाकारों ने भी अच्छा काम किया। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिए। आपका दिन मंगलमय शुभ हो।